शक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। जकार गुगे पीर महाराज दा बोलो सच्चे दरबार की। आया बाप तेरा सावन महीना, आया राणे तेरा सावन महीना, खिलरे फूल फलवाड़ी माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, जहर पीर माड़ी की माँ, जहर पीर माड़ी की माँ। आया बाप तेरा सावन तेरा, खिले फूल फलवाड़ी माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, जहर पीर माड़ी पीर माड़ी के माँ। पहली फोटो बस्ता माता की जिसकी कला सवाई, दूसरी फोटो खेड़े राजा की जिन माया दुखने आई, ये दूसरी फोटो खेड़े दादा की जिन माइया दुखण आए, तीसरी फोटो सदा शिव जी की, तीसरी फोटो सदा शिव जी की, बजगना ताड़ी के माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, हर पीर माड़ी के माँ, हर पीर माड़ी के माँ। अब तेरा सावन महीना, किलरे फूल फलवाड़ी माँ, फोटो लग रे, चार पीर माड़ी के माँ, चार पीर माड़ी के माँ। चौथी फोटो खवाज जिंदा की नदिया में नीर बहाया, पांचवी फोटो नार सिंह की अजंग में सांग गड़ाया, पांचवी वा फोटो नार सिंह की अजंग में सांग गड़ाया, छठी जहो भैरवनाथ की जड़ारी माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, जहर पीर माड़ी के माँ, जहर पीर माड़ी के माँ। आया बाप तेरा सामन तेरा, फूल खिले फलवाड़ी के फोटो लग रे, चार पीर माड़ी के माँ, आया पीर माड़ी के माँ, आया रण तेरा सावन महीना, खिल रे फूल फलवाड़ी माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, चार पीर माड़ी के माँ, चार पीर माड़ी के माँ। सातवीं फोटो ज्वालामुखी की लाटा की जोत सवाई, आठवीं फोटो अकल सोदा की गलमुनिया माला पाई, ये आठवीं फोटो अकल सोदा की मुंडिया की माला गल पाई, नौवीं फोटो सबल सिंह की, नौवीं फोटो सबल सिंह की चिराग माड़ी के माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, चार पीर माड़ी के माँ, चार पीर माड़ी के माँ। आया बाप तेरा सोमन तेरा, फलवाड़ी माँ, तरह तरह के फोटो लग रे, जहर पीर माड़ी के माँ, जहर पीर माड़ी के माँ। तेरा नौमी फोटो माँ बा छलकी महलों में वो सोच रही, दसवीं फोटो वाराणी सीरियल की दिल अपने माँ लोच रही, दसवीं फोटो रे माँ बा छलकी महलों में वा सोच रही, ग्यारहवीं फोटो वाराणी सीरियल की दिल अपने माँ लोच रही, बारहवीं
जयकारा पीर महाराज दा बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा है हस्तनापुरी के राजा परीक्षित की, यानी कि जनमेदे की कथा। हस्तनापुरी में एक राजा जिसका नाम था जनमेदा, यानी कि उसके पिताजी राजा परीक्षित, जिन्होंने अपने राजा के बीच में घोषणा कराई कि बाहर का कोई भी शिकारी हमारे जंगल के बीच में शिकार खेलने के वास्ते ना आवे। पता किसने लगया? पताल हो के राजा बासन, सांपा के राजा ने पता लगया, गुस्सा भर गया, आंखा में लाली का डोरा छह गया, इंसान वाला रूप धारण कर लिया। इच्छाधारी नाग, जो नाग अपने रूप में किसी भी रूप में परिवर्तित कर ले, इंसान बन जा, जानवर बन जा या काला नाग, इंसान वाला रूप धारण करका बासिंग नाग अस्त्र बस्त्र शस्त्र लेका एक किसो घोड़े का सवार राजा परीक्षित के जंगला मावा किस तरह भी शिकार खेला। क्या मेरे कहने की बात, क्या मास्टर जी संगत के सुनने की बात भाई? पर सुबहदारी से बोल बना भाई। हस्तनापुरी के बीच में आ गया जंगला मा, जंगल के बीच में 100 मृगानियां हैं, एक मृग है जिसका नाम सोहन मृग, मृग के पीछा घोड़ा ले लिया भाई बासिंग नाग ने। तेरा मृग के वा पीछा वा, मृग के वा पीछा नाग ने करा।
ਦਾਤਾ ਦੋਇਓ ਰਾਤੇ ਬਨਾ ਇਹਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾ ਨਸਾਨਾ ਵਾ ਗੋਲੀ ਕਾ ਨਸਾਨਾ ਪੀਰ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਦੜਾ ਦੈੜ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾ ਮਹਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ਸਬਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾ ਜੰਗਲ ਮਾ ਕਿਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗ ਨੇ ਸੋਹਨ ਮਿਰਗ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਘੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੇ ਰਾਜਨ ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਸੋਹਨ ਮਿਰਗ ਕਾ ਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਤ ਜੀ ਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾ ਗੁੱਸਿਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਸਮਨਾ ਆਂਖਾਂ ਮਾ ਲਾਲੀ ਕਾ ਡੋਰਾ ਛਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲ ਕਾ ਹੀ ਨੌਕਰ ਕਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਗਏ ਇਹ ਰਾਜਨ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਾ ਸਵਾਰ ਮਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾ ਜਿਸਨੇ ਸੋਹਨ ਮਿਰਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਕਾ ਆ ਰਾਜਨ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਤ ਗੁੱਸਿਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਰਜੁਨ ਵਾਲਾ ਧਨ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੋ ਘੋੜੇ ਕਾ ਐਡ ਮਾਰਾ ਆਰ ਕਿਸੋ ਵੀ ਚਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾ ਮਾਣ ਕਾ ਰਾਜਾ ਬਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਪਰ ਕਹੇ ਸੀ ਸੋਵਾ ਦਰੀ ਸੇ ਬੋਲ ਬਣਾ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾ ਰਾਮ ਕਾ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਵਾ ਕਰ ਕਹਾ ਮੇਟ ਦੇ ਵਾ ਬਾਰੇ ਇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਪਰ ਫਟੇਗੇ ਹਾਂ ਲੰਕ ਸੇ ਹੁਲੀਆ
सवार घोड़ा सारंग पर की गति नु मापे काज मेरे राणे लहरी बाबा बाबा वीरो सातवाया जल बाबा छमा छम कर दावा पंडित हजवाया वाले आवा हे राम कुमार शर्मा वीरो हाजर बहु गल बाबा इस दुनिया मा हाज जी राजा परीक्षित राजा बासन के पास है एक घोड़े के सवार। क्या बात है राजन, क्यों मेरे जंगला के बीच में आए और क्यों मेरे सोहन मेरे का शिकार कर रहे हैं? जब तेरी सेहत अच्छी है चले जाए यहां। कहां का राजा, क्या तेरा नाम है? बासन ने कहा मैं पताल लोक का राजा और बाद सिंह मेरा नाम। तेरी सेहत अच्छी चले जा कि नहीं शिकार खेलन आया हूं। शिकार खेल का जंग कि भाई शिकार खेलने ते पहले तेन मेरे साथ जंग करना पड़ेगा, दोनों का आपस में जंग हो जा। राजा बासम ने कहा बोला तपिक्षत क्या कहा अरे बासिंग ते कराता बात पहला तो तुबार कर ले अरे देख ले कर काता आज इरा बात तो कराता वा पहला वा दुबार जंगला के माही बीच महा वोट लिए थे राजा ने वाया पे महा तेरे बारी वा परीक्षित की है गी आज महा वा तो छोटा ता कमान देवा की आज मेरे वाला छोटा तवाया आप मैं वारी
भी तीन बार राजा बासंग ने करे आ तीनों उठलिए राजा परीक्षित ने बारी किसकी राजा परीक्षित की आएगी म्यान मत खंडा काड़ का मारे घोड़े ते नीचा गिर दिया राजा बासंग छाती पे गोड़ा रख लिया हे राजन आज मैं तनु जानते ही खत्म करूंगा के मास्टर जी मिंता करा तरले करा दोनों हाथ जोड़ा हे राजा परीक्षित मेरी गलती कर दे माफ के नहीं तने बहुत गुस्सा दिखाया आज मैं तनु जानते ही खत्म करूंगा लवी दानी पुरुषो मिंता करा तरले करा पहले राजे ऐसे हो करते राजपूत राजे या तो अपने दुश्मन नु खत्म करेगा ने पंडित जी अरे या फिर ती गटवाल ही हे महाराज फिर मेरे पास तो कोई लड़की नहीं है हाँ मेरी रानी गर्भवती है अगर उसके पास लड़की ने जन्म ले लिया तो मैं आपने उसका डोला अवश्य ही दे दूं फिर कर तिलक इब किस तरह भाई सगना के काम हो रहे हैं किस तरह भाई वह बासिंग राजा एक स्त्रो तिलक करा राजा परीक्षित का धरती पर मट्टी ठहका क्या मेरे कहने की बात क्या संगत के सुनने की बात भाई पर Yeah.
ਹਾਜੀ ਲਵਿਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਦਿਨ ਬੀਤਾ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਾਸਨ ਕੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਲੈਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾ ਬਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਕੇ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੀ ਮੰਗ ਥੀ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਬੋਰਾ ਖਦੂਆ ਦੀਆ ਦਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਮਾਂ ਕਹਾ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਂ ਬੋਰੇ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾਂ ਲੜਕੀ ਪਚਾ ਦੀ ਉਹ ਬਾਸਿੰਗ ਰਾਜਾ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੁਕਰਿਆ ਥਾ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋੜ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਰਾਣੇ ਉਹ ਬਾਸਿੰਗ ਨਾਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਚਾਰ ਵੇਦ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਬਲੈਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਾ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੰਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਰ ਕੀ ਗੱਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗਾਵਾਇਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਪਰ ਕੀ ਗੱਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਨ ਗਾਵਾਇਆ ਜਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਰਾਜਾ ਰਾਜਵਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵਾਇਆ ਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਰਾਜਾ ਅਰਜਾ ਮੇਰੀ ਵਾ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਇਆ ਹਾ ਇਹ ਬਾਸਿੰਗ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101 ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 100 ਯੱਗ ਕਰ ਦੇਗਾ 101 ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂਗਾ ਇਹ 101 ਯੱਗਵਾ ਆਪ ਵਾਲਾ ਕਰਿਓ ਆਇਆ ਹਾ 101 ਯੱਗਵਾ ਧਰਮਵੀਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ 101 ਮਾਇਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਚਾਰ ਵੇਦ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਰਾਜੇ ਸੁਣਕਾ
सुन का बासंग नाग 80 साल का बूढ़ा ब्राह्मण बन का जंगल में एक राजा दिलीप जिसके पास तीन सूर्य कुमार तीन कन्या किसरो उसके पास चल कर क्या कह रहा भाई लदानी पुरुषो कौन बासिंग नाग कहां जंगल के बीच में आ गया जहां राजा दिलीप जिसके पास तीन ही कन्या और तीन सूर्य गुमा थी अपना रूप बदल लिया इंसान वाला रूप बनाया का 80 साल का बूढ़ा ब्राह्मण बन गया। राजा दिलीप ने कहा हे राजन सूर्य गौ का दूध मनु मांगिया दे दे के देख बासी नाग हे पंडित जी तीन कन्या मेरे पास तीन ही सूर्य गौवा और वो कन्या सूर्य गौवा का दूध पीती है कोई भी अन्न पानी नहीं खाती उनके बिना पूछो मैं आपने सूर्य गौ का दूध नहीं दे सकता ले भी दानी पुरुषो वो छड़िया नाग अपनी कला दिखावा अरे भाइयो तीन छोटे छोटे अपने रूप बनाए का एक किस तरह सूर्य गौवा का डंक लगावा किस तरह भाई तीनों कन्या काल करा क्या मेरे कहने की बात क्या संगत के सुनने की बात भाई पर कैसे सुबादरी से बोल मना भाई मैं वारी हाँ जी रे
ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਸਰਾਪ ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਲੈ ਉੱਟ ਲੈ ਭਾਈਓ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਤੀਨ ਔਰ ਸੂਰਿਆ ਗਊਆਂ ਕਾ ਡੰਕ ਲਗਾਇਆ ਕਾਲ ਕੇ ਔਰ ਭਾਈਓ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਗਈ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੂਰਿਆ ਗਊਆਂ ਡੰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬੰਸ ਹੋਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋੜ ਕਾ ਹੀ ਰੋਗ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋੜ ਕਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਤੋਂ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗ ਅੱਜ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਗ ਮਹਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਆ ਵਾ ਰਾਜਾ ਰੋਆ ਤਵਾਇਆ ਪੇ ਮਹਾ ਪੀੜਾ ਮਾਰਾ ਰੇ ਰਾਜਾ ਕਵਾ ਮਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜੇ ਮਹਾ ਬਾਤੋ ਪਦਮਾ ਤੇ ਵਾ ਕਰ ਰਿਆ ਦੋਯੋ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਵਾ ਕੋੜ ਕਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਦਰਦ ਮਾਰੇ ਕਰਾ ਪੀੜਾ ਮਾਰੇ ਕਰਾ ਔਰ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਕਰਕਾ ਰੋਏ ਕਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਕਰਕਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਧਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਮੰਜਾ ਮੇਰਾ ਨੌ ਲੱਖੇ ਬਾਗਾਂ ਮਾਂ ਪਚੈ ਦੇ ਅਰ ਜਮਾਨਾ ਲਗਾਵਾ ਵਾ ਨੌ ਲੱਖੇ ਬਾਗਾਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮਾਂ ਰਾਜਾ ਕਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਕਰ ਕਰ ਰੋਏ ਕਰਾ ਆਂਖਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂ ਨਿਸਪਾਤਰ ਕੇ ਡੋਰੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਮੋਤੀ ਟਸਰ 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 ਕਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾ ਭਾਈ ਚੀਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਚੀਤਾ ਮਟਕਾ ਦਿਓ ਲੈ ਭਾਈਓ ਬੋਰੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨਵਲ ਦੇ 11.5 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ
क्या अपनी दाइया माइया ते कह रही आ चांदना सा नजर आवा क्या दाइया माइया ते नवल दे कहा क्या मेरे कहने की बात संगत के सुनने की बात भाई पर कहे सी सुवादारी से बोल बना भाई सिमरू मैं देवी शारदा जय जय बाला जी सिमरू मैं देवी व शारदा माई जी मेरी माई जी तेरा हो जागा बेड़ा व्यापार तेरा दुनिया माँ जी बोला नवल दे क्या कहा खोल दियो ना मेरी दाइयो जी मेरी दाइयो जी ये भोरे की ताकी वा खोल दियो ना ए मेरी दाइयो जी ये जमाना लगाओ थम बारी रे मैं बारी जी रे दाइया ने जवाब दिया ता अपने महल में ए मां
मनु मेरे पिताजी का पता बता के बेटी तेरे पिता नु कोढ़ का रोग लगे होया और बागा के बीच में उसका मंजा पचा दिया। दानी पुरुषो नवल दे अपनी मां की बात सुनका कहा पिताजी के पास हैगी नौकर कहा चीता बनाए रखी चीता मां बासिंग नाग में रख रही जारो जार रोआ आंखा ते बरसाता नीर चल कन बल दे भी गई ती अर जफी लगी ती पाण अरे बोला तब बासंग काला ना ये आज बागां के माही जीवा तो बोले सुनावा महाराज आज बागां के माही बोला ती नवल देवा बीरो बोला दीवा आज महा बोला ती नवल देवा बीरो ये बोल सुनावा आज महा ए क्यों तो रोवा मेरे पिताजी सच्ची बात दे बजा बात आज मेरी ये न्याणी मन सच्ची बात दे यहाँ बात आज मैं नवल दे कहा अपने पिताजी के पास है कि भाइयों दानी पूछो कि मेरे राणियों नवल दे जिस टाइम अपने पिताजी नू जफी पाण लगी या ए पिताजी क्यों रोवा क्या बात है कि बेटी मनु कोढ़ का रोग लग गया आपका कोढ़ का रोग किस तरह ठीक होगा पिताजी चार वेद पढ़िया पंडित बुलाया गया पंडित जी ने कहा अरे राजा बासंग कोढ़ का रोग तो तेरा ठीक हो सका राजा परीक्षित की बीजा बनी में तीन स्वर्ण कुएं हैं वहां से कोई पानी लेके आए अर तनु नड़ावा तो तेरा कोढ़ का रोग ठीक हो सका कि भाइयों राजा बासन के दिल में लगी ले भी राजा परीक्षित के साथ तो मैंने वचन भी करा था कौन जहागा उसके बीजा बनी नवल देने का पिताजी मैं एक नागिन हूं और मैं जो हूं चिंता न करा कि नहीं डर किस बात का था क्योंकि नवल दे परीक्षित की मांग थी वचन था उसका बेटी तनु नहीं जाना के नहीं पिताजी मैं जाऊंगी चिंता ना करो पानी लेकर आऊंगी नाग की बेटी हूं मैं मैंने जिसका डंक मार दिया खत्म कर दिया ले भी दानी पुरुषो वन वल्दे सिर पर मटका ठेका छमा छम कर दी हुई किस तरह राजा परीक्षित की बीजा बनी मावा अरे भाइयों चेहरे पर नूर इतना सिंगार करे बिना चढ़ता सूरज भी का पड़ जा किसरो भाई सोहन मिर्ग देखा चक्कर है धरती पर गिरा एक किसरो नौकर जैका देखा नवलदे नु राजा परीक्षित नु क्या दो कली का जवाब बतावा क्या मेरे कहने की बात है? क्या संगत के सुनने की बात भाई पर कैसे सुवादारी से बोल बना भाई देखिए दानी पुरुषो कि दुनिया भाई धोखा बहुत है क्या कहते हैं
बनी बनी के सहरे पे लाखों निसार होते हैं, जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हर तमन्ना पूरी नहीं होती, हर सपना सहकार होता है। किस्मतों सजना सबकी अपनी होती है, कोई किसी का गुनाहगार नहीं होता। ए जीवा ठेकावा मटका ने बोल दे चल का कहां कुएं के पास हैगी, बीजा बनी के पास हैगी। जिस टाइम भाइयो नौकर ने देखिया, मन में क्या सोचा, इतनी सोनी लड़की और कहां ते चल का मारे कुएं के पास आई। नौकर चल का राजा परीक्षित के पास आए, हे राजन मारी बीजा बनी के पास एक बहुत सुंदर लड़की सिर पर मटका ठहका घूम रही। ले भी राजा ने इतनी बात सुनी
अस्त्र बस्त्र शस्त्र लेका घोड़े का सवार दादा अर्जुन वाला तन सबान लेका कहां के भाइयों कहां अपनी विजय बड़ी की तरफ आया नवल दे कुए मतले जू बाल्टी ते पानी काढ़ रही थी आवाज लगाई खैजा भाई कौन है ले जू बाल्टी भी छोड़ दी आ भी नवल दे कुए के बीच में छोड़ मार भाइयों राजा पिक्षत ने कहा देख भाई कौन शख्स है कुए से बाहर आ जा नहीं मेरे पास ऐसा मेरे दादा अर्जुन वाला तनुष बाण है अरे भाई सारे पानी उस कह दूंगा फिर भी मैं तुम्हें बाहर काट लूंगा इतनी बात सुनकर नवल दे बाहर आई दोनों आ जोड़ ली हे राजन लड़की कहां की रहने वाली के राजा बासिंग की लड़की नवल दे मेरा फिर तो मेरी मांग है लड़की सारी हकीकत बताई मैं तुम्हें जान ले दूंगा कि नहीं राजन आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा इब तो मुझे जाना पड़ेगा पर आपके साथ वचन कर रही हूं दोबारा वापस आऊंगा ये नहीं वचन तो तेरे बाप ने भी करे थे ले भी मिन्ता तरे करके इब नवल दे अपने पिताजी के पास आवा सज्जे पैर गुंठे पैर रखा पिताजी उन्होंने दिया सारा कोल ठीक हो जा आने का बहाना टूंडा राजा परीक्षित के पास इब क्या राजा पास है बेटी ते कह रहा भाई पर कैसे सोबादारी से बोल बना भाई गावा वाराणे वाराणे जस गावा मैं वारी तेरा जस गावा जी गावा बागड़े वाले वाराणे जस गावा राणे तेरा जस गावा जी तेरे बागड़े वाले ए जी हर पल ले रे वा तेरा पिता नु नकने अपवान लावा महा हे तेरे न लावा जी ए जी अपने पिता नु आ नकने वा पानी मान लावा महा तेरे न लावा जी तेरा नारण जाना तेरे गुंठे परख ले जमा भी नहीं जाना वापस बेटी
ले भाईओ अपने पिता जी नु नलैका अर भाई सज्जे पैरे गुंठे वा पैर रख लिया सारा नलै दिया सारा कोड़ ठीक हो गया पर गुंठे पर रह गया क्या कही नवल दे हो पिता जी गुंठे पर रह गया बस थोड़ा सा कोड़ पर चिंता न करो मैं दोबारा जाऊंगी पानी लेकर आऊंगी जाना क्यों था क्योंकि वचन करे नहीं बेटे तनु नहीं जाना के पिताजी मैं आपकी बेटी हूं नागन हूं नहीं बेटी जिद करी न वल्दे चली गई बीजा बनी पाकुया के पास है लवी मही साड़ा मल लेका आग इब चार छपेरा सात फेरे लेका एक राजा परीक्षित नवल दिन अपने महला में नवल दे घर नहीं आई बासंग नाग चिंता में पड़ गया आज मेरे बेटो अरे धर्म की सुन लियो मेरी बात थारी बहन नू राजा ले गया अरे परीक्षत ले गया तायाज अच्छा बजता नगारा रानी नौबीत बाजा बाबा जी बजता नगारा रानी नौबीत बजगी बाबा तेरी माड़ी पावर सावा गहरानू तने तने गुका जहर पीर हाँ तने तने गुका जहर पीर इरा चल कावा तुनुआ भाई हप में के पातक आज में आवा ले आवा शिक्षत के में आगे महल माया आज तने तने गुगा जहर पीर हाँ तने तने गुगा जहर पीर हाँ चलका आवा महालया आज तने तने गुगा जहर पीर हाँ तने तने गुगा जहर पीर किराना जी शूतर के पास तक बासण ना के बेटे राजा परीक्षित के महल में आ गए नवलदे राजा परीक्षित खाना खा रहे थे चौल खा रहे थे और जूतियां बाहर पड़ी थी राजा की जुतियां में बढ़ गए छोटे छोटे रूप बनाए का नागा के सूतक और पातक के राजा बासंग के बेटे की क्या सोच थी खाना खा के परीक्षित आवागा जुतिया पावागा और उसके पैरा पर डंक लगा देंगे वह काल कर जागा और नवल देने हम ले जाएंगे क्या कह रहे हैं इरा खै कावा चौड़े वा राजा आज वाला उठा महावा चोलवा राजा हाथ वाला धोवा दुनिया के कावा तो तन तन गुगा जहर पी हाँ मेरे बागड़वाड़ पीर जुतिया मावा चौल पीरो आज वाला गिर गे महा चौड़े बीरो गिरवा गए मेरे रानोए मुँह मा गए ते नागा के आज तने तने गुगा जहर पीर हाँ बहुड़ो मेरे बागड़वाले पीर बोलना में दोनों वा भाई सुनी सुनावा सुनावा बोलना ते सुतक पातक आज में बोलना लमा राजा कवा खाया नमक आ
तेवा महा जुतिया ते बाहर में दोनों अब मेला लिकड़ा महा आने वाले रूप मैं गया ते दोनों आ भाई बोले बोले सुनावा जावा तो पहड़ो मेरे बागड़ वाले पीर हाँ पहड़ो मेरे बागड़ वाले पीर जावा मान का दोनों माफी में मंगल महा जावा मान का दोनों बोले माफी में मंगल महा माफी में मांगा दो मांगा दो यो बाप हाँ मन माँ में सोचा दो यो बाप दिल माँ में सोचा दो यो बाप ले भाई राजा चौड़ खेका उठा बाहर आया दो जुतिया के पास जुतिया में चौड़ गिर गए दोनों भाइयों के मुंह में चले गए आपस में बात कर रहे अरे सुतक हाँ भाई पातक माने तो राजा का नमक खा लिया दोनों बाहर आ गए जुतियां थी और भाई इंसान वाला रूप धारण कर लिया राजा परीक्षित ने अपना जीजा मान लिया और भाइयों माफी मांग का दोनों वापस चले जाते हैं बासिंग नाग सच के पाण जत तीग नाग नु याद करा आजा बे मेरे भाणजे अरे धर्म की सुन ले मेरी बात तेरे मामे पावक ते पढ़िया था अरे चल का तवा जा आज शिवजी महाराज पते आज्ञा लिया वो ततीक नाग चल के गए मामे क्या बात है प्रणाम अरे बेटे उजड़ गया तेरा मामा क्या बात है मामे वो थरी बहन नवलदे नू वो राजा परीक्षित ठहका ले गया के जा उसका डंक लगाया का और अपनी बहन नू लेकर ई भाई किसरो वो ततीक नाग छलिया नाग कहा परीक्षित के राज्य में आ गया के भाइयों दानी पुरुषो राजा परीक्षित अपने नौकरा के साथ शिकार खेलने जा रहा था एक भाई किस्तो ततीक नाग मथे में डंक लगा क्या राजा परीक्षित अपने नौकरा दे कहा भाई पर कैसे सुबादारी से बोल बना भाई बोलना
रस्ते मा हयाज हाँ जी ये चलका तलंतर बैद आजवाल आवा महा तेरे नलावा भी हाँ जी ये चलका तलंतर बैद आजवा आवा मेरे वीरो तेरे नलावा हाँ जी जी इरे नारण जाना रे चेले वा को देखा कुंडीनो आज हाँ जी ये भाइयो तलंत्र बैद अपने चेलियों ले कहा राजा परीक्षित के पास चले रहा और वे ततीग नाग वह छड़िया नाग अपना रूप बदला बहुत ही चलाक नाग था वो इच्छाधारी नाग अपना रूप बदला और काला खूंडा बनका है कहा रस्ते में पड़ गया चेले तलंत्र बैद के खुड़े के पास ले भी अपने चेले लेगा तलंत्र बैद कहा राजा परीक्षित के पास चले रहा ततीक नाग अपना रूप बदला काली खुंडी बनका है रस्ते के पीछे पड़ जाए चेले क्या कहा कितनी सोनी खुलिया मारे गुरु जी के गढ़ में बहुत ही अच्छी लग रही ठहरेगा चेले ने गुरु के गढ़ में पैदी गुद्दी में डंक लगाया तलंत्र बैद की तलंत्र बैद ऐसा बैद था कहीं भी उसका नाक काट जा जहां तक उसकी निगाह जाती जहर नहीं चढ़ा गुद्दी में तो भाई निगाह जाने दे गई किदानी पुरुषो राजा परीक्षित भी काल कर गया और तलंत्र बैद भी काल कर गया दिन बीता महीने बीता नवल दे गर्भवती थी घर में एक लड़का जन्म ले महला में जिसका नाम जन्मेदे रखा जा दिन बीता महीने बीता जवान अवस्था में आ जाता है अपने पुरखा कितने शिकार खेले गया था घोड़े का सवार जंगला में शिकार खेलना एक दिन का जिक्र है जन्मेदा शिकार खेलने के वास्ते जा रहा था अरे एक जाट का बूढ़ा बैठा खेत में दाव पाड़ रहा ढेर ले लेगा पाड़ पाड़ का आग लगा रहा जन्मेदे सवेर तो शाम हो गई जिस टाइम वापस आया जाट के बूढ़े ने पूछा हे बाबा जी हां भाई क्या बात है सवेर तो शाम हो गई आप अरे यही ये दाव नु पाड़ रहे आप और आग लगा रहे क्या बात है ओ छोकरे मैं तेरे जैसा नहीं हूं
मेरे बाप के पैर में लगी थी जिसके कारण यो दाब मेरे बाप की मृत्यु हो गई थी। इसनु तो मैं जड़ते इतना तक मटांदा नहीं, इतना तक सांस नहीं ले। तेरे जैसा थोड़ी, तेरा बाप तो सांप ने मारा था तो बदला नहीं ले सकया, मैं तो बदला लेऊंगा। ले भी तानी पूछो इ भर का गुस्से में जन नहीं दा। ए किसरो भाइयो तेल के कड़े बड़वा का किस तो चारों खुंटा में नागा नु तलवावा। क्या मेरे कहने की बात आ, क्या राणे संगत के सुनने की बात आ। कहे सी सोवादारी से बोल बनावा ही। क्या गर्म कहा सुन ले बात
भाइयो ततीग नाग जुल्मी नाग टूटने के वास्ता गढ़ तपस्या करी 6 महीने के बाद एक गढ़ महाराज मिले के जाओ रे गढ़ देवता उस ततीग नाग ने मेरे पास लेकर आओ। तीनों खूंटा में घूम लिया कहीं भी नहीं मिला। राणा जी एक दिन का जिक्र है वो गरुड़ देवता दक्षिण दिशा में चले गए जहां ततीक नाग ने पंडिता की लड़की से शादी करी हुई थी। दानी पुरुषो एक पीपल का पेड़ जहां औरतां चरखा काटते करती बैठकर दोपहर में वो गरुड़ देवता वहां बैठ गया। औरतां बैठी हैं वो लड़की भी जिसके साथ शादी हुई थी वो भी वहां आन का बैठ ऊपर गरुड़ महाराज जी सुन रहे हैं क्या कह रही ए बेटी तेरी शादी में ज्यादा टाइम नहीं है और तेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा। शादी के बाद तो लड़की सिंगार करा और भी सुथरी हो जा सोनी सुनखी हो जा तेरा रंग क्यों पीला पड़ रहा। हे माता जी जिसते मेरी शादी हुई है एक साइड में तो वो पड़े वहां बीच में तलवार हुआ और एक साइड में मैं हूं और सांप जैसी मुस्क मारा। गरुड़ महाराज ने कहा ये वक्त ही आ गया के भाइयों रात के 8 बजे आवा सारा बता दिया। इंतजार करया किसने उस गरुड़ महाराज ने इबदानी पुरुषो रात के 8 बजे जिस टाइम आवा अर भाई अपना रूप बदला एक गरुड़ महाराज किस तरह पंजा में ठहका एक किस तरह आसमा उड़ा और किस तरह जन्मेदे के पास लेने की तैयारी करा भाई पर बहुत मिन्ता तरले तक
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਗੜ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਉਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਾ, ਹੇ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਕੇ ਕੜਾਹੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਮੇ ਗਿਰ ਸਕੂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੀਕ ਨਾਗ ਚਰਨਾਂ ਮੇ ਗਿਰ ਦਿਆ ਜਨਮੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਆ ਕਹਾ? ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਨਰਥ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਤਰਸ ਹੈ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਤੀਕ ਨਾਗ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਾਗ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਦਾਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਈ ਭਾਈ। ਜਨਮੇ ਦੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੀਕ ਨਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁੱਸਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਨਮੇ ਦਾ ਕਿਸਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਵਾਵਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਚਲਾ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਈ? ਪਰ ਕਹੇ ਸੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਰਿਸ ਬੋਲ ਬਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ
اپنے نوکر تے کہا کہ میرے نوکر لوہے کا پنجرا بنوایا کا اس سچے بھگوان میں قید کروں کیونکہ اس نے میرے باپ کا کال کریا ختم کریا میرا باپ اس نے لوہے کا پنجرا بنوایا کا کون جنمے دا کہا درگاہ نو چلے جا رہا پر بھائیو وہ بھگوان سچا جس نو دنیا میں بناوا انو میٹا بھی ہے یہ وشنو مہاراج اپنا روپ بدلا برامن کا روپ بنے کا ایک رستے ماں جنمے دے تے ملکا کس طرح دو کلی کا جواب کرا کیا جنمے دے نو کہا کیا میرے کہنے کی بات کیا سنگت کے سننے کی بات بھائی پر کہے سی سوہ داری سے بول بنا میرے بولا جن میں دا بولے سناوا میں
पूछे भगवान ने मारा मेरा वाया जवा मेरा बाप वा मारा में करा था मैं कहरा भी सच्चे भगवान महाराज दरगाह ते चल का है भगवान भाई जिसनु बनावा उसनु मेटा भी है। अरे भाईयो आन का जन्मेदे नु कहया अरे भाई जन्मेदे कहां जा रहा पंडित का रूप धारण कर लिया था के पंडित जी भगवान ने मेरे पिता नु खत्म करया और मैं उसनु कैद करन जा रहा। अरे जन्मेदे भगवान तो बहुत बड़ा है इस पिंजरे में किस तरह आवा मनु इस पिंजरे के बीच में भड़का दिखा ले भी जिस टाइम जन्मे था पिंजरे में बड़े और भाइयों बाहर थे विष्णु महाराज ने बंद कर दिया लेकर किसनु उस जन्मे दिन
पुरिया में चले गए, दरगाह में चले गए। अरे भाइयो पिंजरे समेत दरगाह के बीच में के भाइयो नवलदे कथा पीर बाबे के पहले जन्म की कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलो सच्चे दरबार की। सुपरटॉन कंपनी के माध्यम से विकी नारंग जी पेश करते हैं ये नवलदे की कथा, बालाजी स्टूडियो दिल्ली से। गायक कलाकार हैं काका करधान एंड पार्टी, डमरू पे साथ दे रहे हैं कक्कड़ माजरे से हमारे धर्मवीर जी, ढोलक पे साथ दे रहे हैं जोली से मनिंद्र कुमार जी, और सारंग पर गद्दी से जो हमारा सहयोग दे रहे हैं पूरा भगत जी। पीर बाबे की जय जयकार। बहुत सच्चे दरबार की नहीं, पीर बाबे का नाम जपो, नाम जपने ते मन में जोश जगेगी, पीर बाबा खुशियां प्रदान करेगा। क्या कहेगा? जोत मन तो जगा लो, हो तेरी शक्ति के बिना मेरे पीरा होते ना मंगल मूर, एक पत्ता तलगी हो नहीं हलता मेरे पास, ना खिले वृक्ष में कोई फूल। जोत मन तो जगा लो, हो नाम पीर दाति हालो, जोत मन तो जगा लो, नाम पीर दाति हालो, जय जयकार ला गड्डी विच चढ़ के, उका पीर वाजा मारदा वाजा देखे
मारदा